आज दिन का शुरुआत काफ़ी जल्दी की है, 8:40 कल के हिसाब से बहुत जल्दी है, परसों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। मैं 6:45 को तैयार हो गया था, हम भी 7:10 तक, उसके बाद भी तो 1.5 घंटा हुआ है। वो तो टैक्सी वैक्सी वाले से बात की क्या वो लगेगा कैसे होगा। तो अब हम लोग स्कूटी से निकल रहे हैं मॉरिंगखोंग के लिए, वहाँ पे ट्रैक करेंगे और उसके बाद में जब की हो सका तो पहले जाके स्कूटी लेते हैं। यहाँ पे दो डिवीजन आया था राइट और लेफ्ट में, तो लेफ्ट में नॉन्गस्टाइन था, तो नॉन्गस्टाइन लिया हम लोग क्योंकि हम लोग बैम्बू ट्रैक के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ का एक पॉपुलर या हो सकता है नॉट सो पॉपुलर मिलियम विलेज है। इंडिकेटर राइट कर दिया जा रहे लेफ्ट है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट देख के हम लोग रुका है। एक रास्ता सीधा की तरफ सीधा जा रहा है, तो सीधा दबकी के लिए और यहाँ से ट्रैकिंग के लिए। तो पहले हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं दबकी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ग्रेविटी के अगेंस्ट वॉटरफॉल तो ट्रैक का शुरुआत हो चुका है। तो अमित जी, are you ready? Yes, kind of. तो काफी डेंजरस ट्रैक है जैसा वीडियोस फोटो देखा है हम, और अभी तक जैसा वो लग रहा है। यहीं पे लग रहा है, यही है। दूर से बैरिकेड टाइप लग रहा था कि ये बंद किया हुआ है, मगर नहीं। मजे तो गए। काश इस ट्रैक पे नैना तलवार मिल जाती, वरना लारा आंटी भी चलती। हैशटैग ये जवानी है दीवानी। ओहो हो,
अच्छा ओहो पानी तो देखो, मेरे को मेरा हार्ट बीट सुनाई दे रहा है कान तक। शायद आपको भी सुनाई दिया हो। इतनी सी दूर आने का इतना टाइम लग गया, इतनी सी दूर का एक घंटा लग गया रे बिटुआ। अरे ससुरा, बाटा के बीच से ही काट लेकर रखे। यहाँ पे तो सीधा स्लाइड कर सकते हैं, जाने है क्या जरूर भी भाई। काफ़ी स्लिपरी है यहाँ पे, मगर दो मिनट का स्टोरेज है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। भाई साफ व्यू, क्या साफ पानी दिख रहा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस ऊंचाई से मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? टाटा। हम लोग भीगा हुआ है तो भैया हम लोग को सीढ़ी ला के दे दिए हैं। थैंक यू।